हे गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बता दूं कि हम कई सारे क्रैश कोर्सेज आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR, DBT, GATE, ICMR, ICR, एनी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, तो जुड़िए हमारे साथ और इस यूट्यूब चैनल पर देख करिए कई सारे क्रैश कोर्स और कई सारे डिटेल कोर्स के वीडियो इन अ वेरी इंटरेक्टिव, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक वे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को। बाकी इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट हो सके। सो लेट्स चेंज द वे ऑफ लर्निंग एंड वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्क्रीनिंग के ऊपर बात कर रहा था मैं। स्क्रीनिंग जो होता है इसे डिस्कस किया जाता है कभी कभी, क्वेश्चन जो होते हैं स्क्रीनिंग के ऊपर जब बात कर रहे थे, तो एक मेजर जो स्क्रीनिंग होता है जिसको बोलते हैं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। सो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में देखने की कोशिश करिएगा। इससे अगर बेसिक एक कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, जिसको बोलते हैं लैक जेड। लैक जेड जो होता है लैक ओपेरॉन का एक पार्ट होता है, लैक जेड जीन। लैक ओपेरॉन अगर आपने पढ़ा होगा तो एक ओपेरॉन सिस्टम जो होता है हम लोग पढ़ते हैं, फंडामेंटल में भी बताया था मैंने कि आर पॉज सिस्टम होता है। क्या होता है? आर पॉज सिस्टम होता है। एस में जेड वाई ए होता है लैक ओपेरॉन में, और ये जो होता है ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या बनाता है जी? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है इज यूज टू कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट जिसको कहते हैं एक्स गैल। एक्स गैल को कन्वर्ट करता है एक कलर्ड प्रोडक्ट में, ठीक है, एक कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। कलर्ड प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश रखता है ये एक्स गैल जो होता है। इसको कन्वर्ट करेगा कलर्ड प्रोडक्ट में। एक्स गैल जो होता है ये कलरलेस होता है। एक्स गैल जो होता है ये आपका कलरलेस होता है। एक्स गैल कलरलेस होता है लेकिन इसको कन्वर्ट कर देता है वो कलर्ड प्रोडक्ट में। सो दिस इज द कि एक कोड आपको बता दूं, दैट इज व्हाट द 2B रूल। यहाँ पे क्या है? 2B रूल आपको याद रखना है। व्हाट इज 2B रूल? 2B रूल का मतलब है कि बी से बीटा, बी से ब्लू। याद रख रहेगा 2B रूल, बी से बीटा, बी से ब्लू। अगर याद रखे रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। चलिए आगे देखने की कोशिश करिए। द प्रोसेस ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि इसी ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में एक प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यहाँ पे एक प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसी प्रोसेस पे बेस्ड होता है पूरा का पूरा ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया तो और भी अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहले समझने की कोशिश करिएगा कि ये आपका आरपॉज सिस्टम है। आरपॉज में ये लैग जेड जीन है। लैग जेड जीन जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाया। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है बनने के बाद एक्स गैल को यूटिलाइज किया। यूटिलाइज करके क्या करेगा? इसको ब्लू कलर के कंपाउंड में बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ब्लू कलर के कंपाउंड में इसको फॉर्म किया। ब्लू कलर के कंपाउंड में फॉर्म किया जो एक्स गैल बनेगा। ये एक्स गैल बना, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना, एक्स गैल को यूज किया। यूज करने के बाद इसको ब्लू कलर में अपियर कर दिया, यानी बीटा बन रहा है। अगर यहाँ पे बीटा बन रहा है तो ब्लू कलर अपियर हो रहा है। दैट इज व्हाट द 2B रूल। यहाँ पे 2B रूल आप यूज कर सकते हो। 1 बीटा बन रहा है तो ब्लू कलर अपियर होगा। नाउ अब देखिएगा कि अब इसमें इंसर्शनल एक्टिवेशन क्या है जी? इंसर्शनल एक्टिवेशन के बारे में बात करूं, सो क्या कहते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को अगर इस लैग जेड के बीच में, क्या इस लैग जेड के बीच में कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन साइट होगा? जस्ट फॉर इको R1 कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन साइट होगा, तभी तो कट कर पाएंगे, ठीक है, तभी तो कट कर पाएंगे। नाउ देखिएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। जैसे इंसर्ट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ये लैग जेड जीन डिस्टर्ब हो गया। जो लैग जेड जीन है वो क्या हो जाएगा? लैग जेड जीन का डिसरप्शन हो जाएगा, इनएक्टिवेशन हो गया। इसके अंदर आपने फॉरेन जीन को इंसर्ट किया जिसकी वजह से लैग जेड जीन जो है वो डिसरप्ट हो गया। जब लैग जेड जीन डिसरप्ट होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या बनेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसिस, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस नहीं होगी। नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसिस, कोई बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस नहीं होगी। और नहीं होगी तो क्या ब्लू कलर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा आपका, दैट इज द व्हाइट कलर। और यही व्हाइट कलर आपका
डिजायर्ड है, यही व्हाइट कलर आपका डिजायर्ड है, दैट इज व्हाट द स्क्रीनिंग, इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग। समझ में आ गया जी स्क्रीनिंग, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज हमने क्लोनिंग देखा, हमने स्क्रीनिंग देखा। अब मैं एज ए एग्जाम्पल लेके चलता हूं आपको, फटाफट एक एज ए एग्जाम्पल देखने की कोशिश करिएगा कि मैं पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है पूरे प्रोसेस को यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। देखिएगा बहुत जल्दी जल्दी समझाऊंगा इस एग्जाम्पल को, कुछ है नहीं, जो हमने पढ़ा है उसी को समअप कर रहे हैं। एज ए एग्जाम्पल, एक वेक्टर है आपका, वेक्टर में क्या है, वेक्टर में देखिएगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, लैग जीन है, और इसके बीच में एक साइट है बैम एच वन का, आप लोगों को ये दिख रहा होगा। आपने क्या किया, बैम एच वन से डाइजेस्ट किया, ये रहा आपका सोर्स या जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये रहा जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी आपने किस एंजाइम से डाइजेस्ट किया, बैम एच वन से, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया। दोनों को फिर किससे करेंगे, लाइगेट करेंगे, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीओआई, लाइगेट किया यहाँ पे गैप में, ये आपने लाइगेट कर दिया। लाइगेट करने के बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे आ गया। अब देखिए लैग जेड पहले था, इसमें लैग जेड पूरा पूरा था और इसमें लैग जेड नहीं बना। अब क्या होगा, जब रीलाइगेशन होगा वेक्टर का, जब रीलाइगेशन होगा यहां पे ओपन होने के बाद ये वापस से फिर से लाइगेट कर जाएगा, तो लैग जेड फिर से बन जाएगा। तो इसमें लैग जेड आ गया, इसमें जीओआई आ गया, या तो जीओआई होगा या तो लैगजेड होगा, ठीक है। नॉन रिकॉम्बिनेंट में लैगजेड होगा और रिकॉम्बिनेंट में जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब इसको लेके चलते हैं पहला प्रोसेस, जिसको बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, हम इसमें कर रहे हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका था, टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंस पे ग्रो करेंगे तो ये दोनों जो ट्रांसफॉर्म्ड होंगे, ये दोनों क्या है, इनके पास वेक्टर है, इनके पास वेक्टर है, ट्रांसफॉर्म्ड है, तो ये सर्वाइव कर जाएंगे। ये क्या था, नॉन ट्रांसफॉर्म था, तो इसकी डेथ हो जाने वाली है। समझ में आ रहा है जी, इसकी डेथ हो जाएगी, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है तो इसकी डेथ हो जाने वाली है। नाउ अगर इसके आगे मैं बात करता हूं, सी अगर इसके आगे बात करेंगे, दैट इज द, ये है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में आपने क्या किया, लैग जेड जीन जो था ये क्या था, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट था, और ये था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्यों, क्योंकि इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका आया हुआ है, तो दो जीन्स को रिकम्बाइन किया, तो ये रहा आपका इस पार्ट में। अब इसको आपने क्या कर दिया, इसको आपने इस पर्टिकुलर पोर्शन में ग्रो कराया, जहां पे कि एक्स गैल प्रेजेंट है और ये ब्लू कलर और व्हाइट कलर की कॉलोनी शो करेंगे, और जहां पे रिकॉम्बिनेंट होगा आपका डिजायर्ड होगा, दैट इज व्हाइट कलर्ड। इज इट क्लियर, दिस इज व्हाट द एज ए एग्जांपल जो मैंने डिस्कस किया था आपको, वही चीज है। हे गाइस, होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर बेल आइकॉन पर दबाइए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कई सारे और कॉन्सेप्ट्स के लेके जुड़ा रहूंगा मैं आपके साथ। सो प्लीज टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।